ऐसे महसूस हो रहा था कि इस तरफ से कोई आंधी आ रही है, मतलब है कि 8 बजे सूरज निकल आता है तो रोशनी भी कम हो गई थी, वो इतनी तादाद में थी। उसकी लंबाई जो है वो 6 किलोमीटर तो लाजमी थी और चौड़ाई में 2 किलोमीटर की। जो आगे चौड़ाई, आगे के जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे चौड़ाई भी उसकी बढ़ गई थी। मेरे तकरीबन 60 एकड़ थे जो उसने जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ये कपास के पौधे को उसने बिल्कुल, उसने ये देखें आप, ये उसने सफाया कर दिया और उसने 20 से 25 मिनट में जो है वो इसको ख़त्म कर दिया। और ये उस वक्त जो वो नुकसान कर रही थी वो हमारे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल था उसको ये अपनी आँखों के सामने देखना। तो आप यकीन करें, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमारे जिस्म का हिस्सा जो है वो काटा जा रहा है। ये जो स्वाम है, जहाँ जहाँ ये सेटल हुए हैं, ख़ास तौर पे जो काटन नई हमने काश्त की थी मुल्तान डिवीज़न में, कोई 2-2.5 हज़ार एकड़ के करीब जो है ना वो सीडलिंग स्टेज पे थी काटन, यानी उग रही थी, छोटी थी, इनिशियल स्टेज पे थी, उसे नुकसान पहुँचाया है। 3.5 लाख एकड़ के करीब जो है वो पंजाब में स्प्रे किया जा चुका है। चोलस्तान में कर्टेल करने के लिए, रोकने के लिए DPP ने 3 जहाज पंजाब गवर्नमेंट को दिए हैं। वो 3 जहाज़ों से वहाँ पे एरियल ऑपरेशन होगा, उसके लिए जो जरी जहरे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। शिद्दत से इसके स्वाम बड़े बड़े आना शुरू हो गए, तो क्रॉप्ड एरिया में आपको पता है कि एरियल ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन पाक आर्मी कमिटेड है कि हम क्रॉप्ड एरिया में भी हेली के साथ जो है ना वो ऑपरेशन करेंगे।